चालान तब इशू करनी पड़ती है जब आप कोई सामान को अपने कस्टमर को बिना बेचे भेजते हैं। किसी भी सामान के डिलीवरी चालान को बनाने के लिए क्विक एक्शन पे जाएं। यहां सेल्स पर क्लिक करें। अब क्रिएट डिलीवरी चालान पर क्लिक करें। चालान बनाने के लिए सामने दिखाई देने वाले सभी जानकारी को भरना होगा। आइए इन्हें एक एक करके समझें। चालान नंबर में सीरियल नंबर को लिखें। यहां ध्यान दें कि यदि आप अपने चालान के सीरियल नंबर को पहले से ही सेट नहीं करके रखे हैं तो सेट सीक्वेंस पर क्लिक करें और डिलीवरी चालान को सिलेक्ट करें। यहां जिस GSTIN के लिए नोट सेट करना चाहते हैं उसे चुनें और प्रीफिक्स जैसे कि DC तथा सीरीज स्टार्ट जैसे कि 001 सेट करें और सेव करें। यह सेट किया हुआ सीरियल नंबर हर एक बिल पे पहले से ही लिखा मिलेगा। सही चालान टाइप को सिलेक्ट करने के लिए पहले ध्यान दें कि किस परिस्थिति पे कौन सा टाइप सिलेक्ट करना है। अगर आप अपने सामान को जॉब वर्कर को जॉब वर्क के लिए भेज रहे हैं तो जॉब वर्क सिलेक्ट करें। अगर आप अपने सामान को बिना बेचे भेज रहे हैं जैसे कि एक ही स्टेट में एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच तो अदर्स सिलेक्ट करें। अगर आप लिक्विड गैस की सप्लाई कर रहे हैं और उसे अपने कस्टमर को बेचते समय आपको उसकी क्वांटिटी नहीं पता तो सप्लाई ऑफ लिक्विड गैस को सिलेक्ट करें। अगर आप अपने सामान को कस्टमर को अप्रूवल बेसिस पे भेजते हैं तो सप्लाई ऑन अप्रूवल को सिलेक्ट करें। कंसाइनी नेम में जिसको सामान भेज रहे हैं उसका नाम लिखें। यदि यह नाम पहले से ही सेव नहीं किया हुआ है तो यहां ऐड कर सकते हैं। अब सामने दिखाई देने वाली जानकारी को भरें। कंसाइनी एड्रेस वो एड्रेस है जहां सामान की डिलीवरी हुई है। सामान की जानकारी को यहां भरें। अगर चाहें तो नई जानकारी यहां से बना सकते हैं।